एक बार की बात है, एक आदमी ने अभी अभी मूर्ति बनाने के सीखा था। वो अकेले जंगल में जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। पत्थर देखने के बाद उस आदमी के मन में होता है कि क्यों ना इस पत्थर से एक खूबसूरत मूर्ति बना लूं। तभी मूर्ति बनाने वाला आदमी ने अपने बैग से छिनी हथौड़ी निकालता है और उस पत्थर के पास बैठ जाता है। जो ही अपने छिनी हथौड़ी से उस पत्थर पर वार करता है तो उस पत्थर से आवाज़ निकलता है कि मुझे दर्द हो रहा है। उस आवाज़ को सुनकर मूर्ति बनाने वाला आदमी हैरान रह जाता है। तभी अपना छीनी हथौड़ी से फिर वार करता है, तभी फिर से आवाज़ आती है कि मुझे दर्द हो रहा है। वो आदमी उस पत्थर को वहीं पर छोड़ देता है और जंगल में आगे की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ा पत्थर और दिखाई देता है। वो आदमी उस पत्थर के पास बैठ जाता है और उस पत्थर पर छिनी हथौड़ी के वार करने लगता है और एक मूर्ति बनाने लगता है। उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो पत्थर चुपचाप रहा और छिनी हथौड़ी के वार सहता रहा। मूर्ति बनाने के बाद वह आदमी वहां से एक गांव में जाता है। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि इस गांव में एक नया मंदिर बना है। इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं हुआ है, मूर्ति की आवश्यकता है। तभी उस गांव वालों से मूर्ति बनाने वाला आदमी कहता है कि मैं अभी अभी जंगल में मूर्ति बनाकर आया हूँ। तुम कुछ लोग जाओ और उस मूर्ति को लाकर इस मंदिर में स्थापित कर दो। तभी उस गांव के लोग कुछ लोग जंगल में जाते हैं और उस मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तभी उस गांव के एक व्यक्ति आता है और कहने लगता है कि पूजा करने के लिए तो मूर्ति की स्थापना हो गई, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर भी चाहिए। तभी मूर्ति बनाने वाला आदमी उस गांव के लोग से कहते हैं कि जहाँ से तुम लोग मूर्ति लाया वहीं से कुछ दूर और आगे जाओगे तो यहाँ पर एक बड़ा पत्थर है। उस पत्थर को लाकर रख दोगे तो नारियल फोड़ने के काम आ जाएगा। गांव के लोग जंगल में जाते हैं और उस पत्थर को लाकर मंदिर में रख देते हैं और नारियल फोड़ने के लिए काम आ जाता। एक दिन रात के समय मूर्ति और पत्थर आपस में बात कर रहे थे। पत्थर ने मूर्ति से कहा, तू कितना खुश हो, तुझे लोग पूजा करते हैं और तुझे सजाते हैं, मुझ पर नारियल फोड़ते हैं, मुझे दर्द बहुत होता है। तभी मूर्ति ने पत्थर से कहा, तुम मूर्ति बनाने वालों के वार सहन कर लेता तो आज मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता, तेरी आज पूजा होता और मेरे पर नारियल फोड़े जाता। दोस्तों, किसी ने कहा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े छीनी हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए जब भी दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है तो समझ जाइए कि इन्हीं दर्द और तकलीफ से आप में बदलाव होगा और आपके लिए एक मीठा फल इंतजार कर रहा होगा।